हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके अभी तक एक बहुत बड़ा क्रूशियल अपडेट है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जो कि जितने भी गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं या गेस्ट लेक्चरर हैं, एक कल मैं जब लाइव था तो कुछ लोग मुझसे डाउट क्लियर किए और मैं उसे जो कुछ भी था वहाँ पर स्पष्ट किया। लेकिन ये चौंकाने वाले का अपडेट है। तो जितने भी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फॉर्म फिल किए हैं, अगर वो गेस्ट हैं तो गेस्ट को जरूर, जितने गेस्ट लेक्चरर हैं उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज मिल पाए। तो इसको लेके मैं बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से हैं तो इतना जान लीजिए, इंडिया के किसी भी कॉलेज से मैं पढ़ाया हूँ, चाहे वो आईटीआई कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, मतलब कि बीटेक कॉलेज या पॉलिटेक्निक जहाँ से डिप्लोमा करते हैं, सबके लिए ये मान्य होगा अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे गेस्ट को लेके सबसे बड़ा अपडेट क्या है, पहले देखते हैं। जो बिहार गवर्नमेंट एलआरसी वाला जो फॉर्म फिल कराया गया था वहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस के लिए नोटिफिकेशन में मेंशन था और उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया गया है। तो क्या है देखते हैं। गेस्ट लेक्चरर गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी यदि रेगुलर बेसिस में कार्यरत थे अथवा उनका थे तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या ये। तो इसको देखने से पहले हम लोग पहले इसके नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है नोटिफिकेशन, ठीक है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि एलआरसी, जो लैंड रिफॉर्म वाला, जो भूमि राजस्व सुधार विभाग के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बात हुआ था तो उसमें कुछ शर्तें थी जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बीबीटेक कानून को जो सिविल के लिए था तो वहाँ पे 2013 तक का जो एमआई का डिग्री है वो बीटेक इक्विवेलेंट मान के उसको किया गया था, लेकिन 2013 के बाद उसको नहीं माना गया था। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं जब आपको दिखाया कि गेस्ट लेक्चरर या गेस्ट इंस्ट्रक्टर आप हैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी आईटीआई कॉलेज में, किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में या किसी बीटेक कॉलेज में, डिग्री बीटेक कॉलेज में या किसी भी आईटीआई कॉलेज में हैं, अगर आपके आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है और उसमें ये मेंशन है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी भेजा कुछ उनका एक गोपनीयता होता है, उसको बरकरार रखना सबका काम है, मेरा भी काम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो देख लीजिए ये है वो अपडेट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीतामढ़ी, जहाँ पे 17/10/2023 और शायद ये जो बिहार इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म फिल हो रहा था उससे एक दिन पहले इनको मिला है। तो दिस इज टू सर्टिफाइड एट मिस्टर जो भी हैं सन ऑफ हैज बीन वर्किंग एज गेस्ट लेक्चरर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हैज बीन वर्किंग एज गेस्ट लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस जुलाई 2022, मतलब 2000 जुलाई 2022 से अब तक, मतलब कि वो अभी कार्यरत है। तो जब फॉर्म आया था उस समय तक एक साल का एक्सपीरियंस हो गया था, उसके बिहाफ पे इन्होंने फॉर्म फिल किया। लेकिन आगे देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। हिज रिम्यूनरेशन वाज मेड एज पर क्लास टेकन बाय हिम। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हिज रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग ड्यूरिंग, तो ये सब जगह आपको मेंशन होता है, लेकिन जो मेन चौंकाने वाला ये है कि हिज रिम्यूनरेशन वाज मेड एज पर क्लास टेकन बाय हिम, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। इससे ये चीज क्लियर होता है कि आप गेस्ट लेक्चरर तो है वहां पे, लेकिन एलआरसी का कहना है, और देखिए ये डिपार्टमेंट वाइज मान्य होता है, ठीक है। एलआरसी इसको एक्सेप्ट किया है और वो चीज वो एक्सेप्ट किया है कि गेस्ट लेक्चरर हो या गेस्ट इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन वहां पे रेगुलर बेसिस पे,
रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि आप गेस्ट हैं, अतिथि के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मंथ वाइज सैलरी आपको मिल रहा है, ये मान्य होता है। लेकिन यहाँ पे कि हिज रेमुनरेशन वाज मेड एज पर क्लास टेकन बाय हिम, तो यहाँ पे क्लास वाइज पेमेंट करने की बात हो रही है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। अगर ये एक्सेप्टेंस ऐसे बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में भी अगर ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे रेगुलर जितने भी गेस्ट इंस्ट्रक्टर जो कि अच्छे तादाद में है, ठीक है, चाहे यूपी के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे कहीं के भी हो, या बिहार के तो है ही हैं, अगर उनको अकाउंट में मंथली वाइज पैसा मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कि आप साल भर में आपका 10 ही लेक्चर है, वैसे नहीं, जैसा कि इनके केस में है कि हिज रिम्यूनरेशन वाज मेड एज पर क्लास टेकन बाय हिम, इनका क्लास वाइज है, यहाँ पे मंथली नहीं है इनका, तो मे बी ये कंसीडर करना बीटीएससी का है कि क्या वो इसको कंसीडर करता है नहीं करता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो गेस्ट लेक्चरर है या गेस्ट इंस्ट्रक्टर है वो थोड़ा सा मान्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट जैसे आपको बिहार, तो ये आपके पास एक अच्छा एविडेंस है, इसके बेस पे आप बात कर सकते हैं बीटीएससी से, क्योंकि सेम आप वहीं पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर गेस्ट के। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैं आपको दिखाया, ये देखिए कि गेस्ट लेक्चरर गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में, गेस्ट लेक्चरर गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने वाला अभ्यर्थी यदि रेगुलर बेसिस में कार्य है अथवा उनका अनुभव पत्र मान्य होगा, रेगुलर बेसिस पे, क्लास वाइज नहीं। ये बहुत ये थोड़ा सा मतलब कि ये कॉलेज का या जो कुछ भी हो, ये थोड़ा सा वहाँ से आप अपने प्रिंसिपल से कंसिडर कर लीजिए, तो आपका एक्सपीरियंस इस बिहाफ पे आप बीटीएससी को कह सकते हैं कि सेम गवर्नमेंट में, सेम स्टेट में ये चीज़ है, तो ये चीज़ बीटीएससी में क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है, अगर रेगुलर बेसिस पे अनुभव प्रमाण पत्र मिल रहा है तो। अगर क्लास वाइज मिल रहा है तो आप शक के दायरे में है, वो कंसीडर करना बीटीएससी के काम में, वो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये चीज़ एलआरसी ही बोला है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे हैं वहाँ पे, क्लास वाइज नहीं है आपका, तो आपका एक्सपीरियंस मान्य होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था सबसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं इसीलिए उनको वेटेज मिला, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं हैं, जो गेस्ट हैं, उनको कोई सा भी वेटेज नहीं मिलने का, यही सबसे बड़ा रीज़न था, ये प्रूफ भी था। जिनका भी है शायद किसी, मैं देखिए इसलिए मैं लाइव आता हूँ कि एक एक चीज़ मैं क्लियर कर पाता हूँ। लाइव आने के पीछे का रीज़न यही है, शाम को 7:30 में मुझसे मिलिएगा, मैं इस पर डिटेल में पूरा चर्चा करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि आपको शाम में मैं रेलवे में जो कार्यरत हैं मेरे फ्रेंड, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा, जो भी डाउट्स होगा रेलवे से रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा, वो ऑलरेडी एनटीपीसी ये सब एग्जाम को दे चुके हैं, प्री मेंस बार बार दिए हैं और फाइनली भी सिलेक्टेड हैं रेलवे में। तो शाम को 7:30 में जुड़िए, और जितने भी गेस्ट वाले हैं लोग सब जुड़िए उस समय, और जितने भी लोग अदर जगह भी काम कर रहे हैं तो आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए कि आज का जो सेशन होगा वो भी बहुत क्रुशियल होगा। हर एक दिन का सेशन क्रुशियल होता है, लेकिन आज का सेशन और ज़्यादा क्रुशियल होगा, जो कि मैं जो आपको प्रूफ दिया हूँ, ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रूफ है, और इससे कैरियर डिसाइड होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आता है, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिए। सबका कंक्लूजन ये है कि गेस्ट लेक्चर या गेस्ट इंस्ट्रक्टर है रेगुलर बेसिस पे, वहाँ पे आपको जॉब मंथली वाइज मिल रहा है, आपके अकाउंट में मिल रहा है इन हैंड, या मतलब कि डेली वाइज नहीं मिल रहा है पैसा तो आपका है, अगर डेली बेसिस पे मिल रहा है तो आपका वो एक्सपीरियंस डिपेंड करता है उस डिपार्टमेंट पे, मानता है नहीं मानता, मानता है तो बहुत अच्छा, नहीं मानता है तो ये उसकी मजबूरी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीस फोरम, कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, और शाम को मिलते हैं 7:30 में फिर से एक नए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके साथ, रेलवे में कार्यरत है, जो भी डाउट है वहाँ पे आपको वो शेयर करेंगे, आप पूछिएगा, एक एक चीज़ बताएंगे। थैंक यू।